Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. Hopefully you all are good and your preparation is also going good. And if you are preparing for KVSPGT biotechnology, so this video is just for you. As in my previous video, I have discussed about the all the aspects of antibodies, like as their chemical nature, their different type of amino acid sequences and their functions, etc. So in the sequence of that, in this video, I will discuss about the classes of antibody. What are the different kinds of antibodies found in our bodies and what their important role in the biological systems. Okay, so before going to discuss about all those things, one thing I would like to announce here: if you are looking for a KVSPGT biotechnology online classes, so you have to just call on this given number, that is 8318917792. आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, वो सारी क्वेरीज के आंसर आपको वहाँ पे दिए जाएंगे. ओके, तो अगर आप केवीएस पीईटी बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से आप कंपटीशन से बने रहना चाहते हैं, तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसकी क्वेरी के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, आप उस पर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, दैट इज द क्लास ऑफ एंटीबॉडी. सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी एंटीबॉडी की हैवी चेन होते हैं, उन हैवी चेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन एंटीबॉडी क्या किया गया है. तो जैसा कि आपने देखा कि फाइव डिफरेंट टाइप्स के हैवी चेन्स पाए जाते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एंटीबॉडी के जो क्लासेस होंगे वो कितने होंगे, फाइव डिफरेंट टाइप्स के होंगे. सो उनका नाम दिया गया, दैट इज द जी आई जी एम. आई जी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, कैपिटल जी फॉर द क्लास ऑफ एंटीबॉडी. सो एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी. यहाँ से आपसे सवाल कई बार कई तरीके से पूछे जाते हैं, लाइक जैसे सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन है, सबसे हैवीएस्ट मॉलिकुलर वेट का पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने वाला एंटीबॉडी कौन है. इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है टीयर्स में या फिर सलाइवा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन है, और एंजाइमेटिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाला एंटीबॉडी कौन है. इस तरीके से पॉसिबल आपसे सवाल पूछे जाते हैं. साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि कौन सा क्लास ऑफ एंटीबॉडी है जो कि मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है. इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो यहाँ से क्लास ऑफ एंटीबॉडी से पूछे जाते हैं. सो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग वन बाई वन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, सो आप अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट भी कर सकते हैं. ओके, सो ये जो क्लासिफिकेशंस किया गया किसके बेसिस पे, दैट इज द हैवी चेन के बेसिस पे, जो भी एंटीबॉडी के हैवी चेन है उनके डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन ये किया गया है. ओके, तो नंबर फर्स्ट आपका आता है, दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दैट मीन्स एंटीबॉडी जी के बारे में. तो एंटीबॉडी जी आपका क्या है, सबसे ज्यादा मीन्स मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और लगभग 80% आपके टोटल जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं आपके सीरम में, उस टोटल एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन का लगभग 80% अकेला सिर्फ यही आपका आईजीजी ही क्या होता है, पाया जाता है. सो कंसंट्रेशन को लेकर के कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस तरीके का कंसंट्रेशन होता है, मींस कौन कौन से एंटीबॉडी सबसे ज्यादा या सबसे कम फॉर्म में पाए जाते हैं. तो कंसंट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दैट इज गम डे, जी आई डी बॉडी ए, इसके बाद एम, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद ई. ये आपके पांच एंटीबॉडी हैं और इनका फॉर्मूला जो बनता है गम डे, और इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मीन्स जी सबसे क्या है, हाईएस्ट है, फिर इसके बाद आपका ए है, फिर इसके बाद आपका एम है, फिर इसके बाद डी है, फिर इसके बाद सबसे क्या है, ई है. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, दैट इज जी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए, यहाँ पे लिख सकते हैं एम, और यहाँ पे लिख सकते हैं डी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ई. तो इस तरीके से इनका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है. सबसे हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन पे पाया जाने वाला एंटीबॉडी है वो क्या है, आपका जी है. और सबसे जो लोएस्ट होता है, लेट मी चेंज मेक कलर, और सबसे जो लोएस्ट होता है वो क्या है आपका, दैट इज द ई होता है. ओके, तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, गम डे. ये भूलेगा भी नहीं आपको, आज के डेट में बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं गम देने वाले. तो गम डे का मतलब होता है, दैट इज द एंटीबॉडी जी ए एम डी ई, राइट. तो इनका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा इसके बेसिस पे आप लगा सकते हैं. ये सारा मैंने आपको क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है. मतलब ये
जो जी होगा सबसे ज्यादा हैवी होगा, मीन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे, फिर ए, फिर इसके बाद आपका क्या होगा एम, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद ई, इस तरीके से, राइट। और इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि एंटीबॉडी जी के यहाँ पे चार सब क्लासेस होते हैं, राइट। कौन कौन से सब क्लासेस हैं, 1, 2, 4 लेकर के, मतलब आई इम्यूनोग्लोबिन G1, G2, G3, G4, ओके। और इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ ये दो वाले को छोड़ करके, मीन्स IgG22, इसको छोड़ करके बाकी जो तीन क्लास होंगे वो सारे के सारे मदर के प्लेसेंटा को क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपसे यहाँ से ये बात पूछा जाता है कि ये पांच एंटीबॉडी में से, सपोज यहाँ पे चार आपको दे दिया गया ऑप्शन में, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो आपसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एंटीबॉडी जी। और अगर आपको थोड़ा सा टफ सवाल पूछ दे कि एंटीबॉडी के कौन सा सब क्लास, मीन्स एंटीबॉडी जी का कौन सा सब क्लास प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो आप वहां पे आंसर क्या लगाएंगे, दैट इज IgG2। तो ये आपके दो पॉसिबल सवाल यहाँ से बनते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी आपका प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो उसके लिए आपका आंसर है एंटीबॉडी जी। और एंटीबॉडी जी का कौन सा सब क्लास जो होगा वो प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसका आंसर होगा दैट इज IgG2, ओके। और IG जो G3 होता है, इन चारों सब क्लासेस में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आपके एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, और इसके थ्रू भी आपकी बॉडी में जो भी एंटीजेनिक एक्टिविटी होती है उनको क्या किया जाता है, नलीफाई करने का काम किया जाता है। आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाएंगे, अभी के लिए फिलहाल आप इतना जानिए कि IG जो जो 3 होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के पास का एबिलिटी रखता है। तो IgG को लेकर के चार से पांच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर पहला, सबसे मोस्ट अबंडेंट कंसंट्रेशन में पाया जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला सिंगल एक ओनली एंड ओनली आपका क्या है, एंटीबॉडी क्लास है। इसके पास चार सब क्लासेस होती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बताया गया कि IgG जो टू है, मीन्स G2 जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, बाकी सारे क्रॉस कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं एंटीबॉडी एम पे। एंटीबॉडी एम सबसे हैवीएस्ट मॉलिकुलर वेट का क्या होता है, आपका एंटीबॉडी होता है। तो मॉलिकुलर वेट को लेकर के भी आपसे ऑर्डर कभी कभी पूछ दिया जाता है, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज द मे डॉग। क्या है, मे डॉग, MEDAG, राइट। ये आपका क्या है, ऑर्डर है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक दैट। सबसे हैवीएस्ट मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, दैट इज द एम एंटीबॉडी का। सबसे लोएस्ट किसका होगा, दैट इज द जी एंटीबॉडी का। तो एम के बाद आपका ई, फिर ई के बाद आपका डी, डी के बाद फिर ई, ए, फिर इसके बाद जी। तो ये दोनों सवाल आपको जरूर पूछे जाते हैं, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले और हैवीएस्ट मॉलिक्यूलर मास वाले। तो हैवीएस्ट मॉलिक्यूलर मास वाले आपने देखा कि यहाँ पे कौन है, दैट इज द आपका एंटीबॉडी एम। एंटीबॉडी एम के पास एक और भी प्रॉपर्टी होती है कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एंटीजन होते हैं उससे क्या कर सकता है, बाइंड कर पाता है। इसके पास 10 एंटीजन से बाइंड करने क्या होती है, एफिनिटी मीन्स कैपेसिटी होती है, ये मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ एंटीजन से क्या कर सकता है, बाइंड कर पाता है। जबकि बाकी सारे जो एंटीजन्स होते हैं वो तो नॉर्मली क्या करेंगे, दो करेंगे या तो फिर चार, इस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये हो जाता है कि कोई भी एंटीजन अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहला जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बन रहा है वो आपका एंटीबॉडी क्या होगा, दैट इज द एम होगा। क्या होगा, एम। ये मान लीजिए अगर आपका कोई एंटीजन मॉलिक्यूल है और आपकी बॉडी में ये क्या किया है, एंटर किया हुआ है, लाइक दैट, इस तरीके से आपकी, मान लीजिए ये बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में एंटर किया हुआ है तो आपकी बॉडी में बनने वाला पहला जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, दैट इज IgM होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। IgM is the first immunoglobulin class produced in a primary response to an antigen. किसी भी antigen के primary response में against में बनने वाला जो antibody होगा वो क्या होगा, that is the IgM होगा। इसके बाद आपको बताया गया कि ये basically total serum का 5 to 10% क्या होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया कि ये पेंटामेरिक होता है, मीन्स पांच इसमें क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, और इसके पास 10 एंटीजन से बाइंड करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, IgA पे। और IgA को आप सिक्रेशंस में पाए जाने वाले, मीन्स एक्स्ट्रा बॉडी के जो फ्लूड्स होते हैं, जैसे लाइक एज मदर का मिल्क हो गया, या फिर आपका सलाइवा हो गया, या फिर आपका टीयर हो गया, इन सब में जो फ्लूड्स होते हैं उन पे पाया जाने वाला
उनमें पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी वो क्या, दैट इज एंटीबॉडी ए। और सबसे ज्यादा आपसे जो सवाल यहाँ से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सिक्रीशंस में, दैट मीन्स मदर के मिल्क में, या फिर आपके सलाइवा में, या फिर आपके टीयर्स में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज एंटीबॉडी ए, जिसे आप सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिक्रीशंस में क्या होता है, पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपके टोटल एंटीबॉडी का 10-15% क्या करता है, पाया जाता है, मीन्स कंटेन करता है। और इसके साथ साथ में एक्सटर्नल सिक्रीशन सच एज ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस ऑफ द ब्रोंकियल, इन सब में क्या होता है, ये पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंटीबॉडी होते हैं पांचों क्लासेस के, उनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, और क्या चीज आपको यहाँ से सवाल ज्यादातर बनने के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसा कि पहले मैंने तो आपको यही बता दिया कि कौन कौन से एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जिनमें आपका GHN नहीं पाया जाता है। तो उसके लिए आपको आंसर मैंने बताया था एंटीबॉडी M और एंटीबॉडी E, ये दो ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी GHN आपका नहीं पाया जाता। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जिनका कि मोनोमेरिक फॉर्म होता है, या डाइमेरिक फॉर्म होता है, या पेंटामेरिक फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि एंटीबॉडी जो एम होता है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है। एक आपका ये क्या कहलाता है, वन मर, मीन्स एक यूनिट, मतलब एंटीबॉडी नॉर्मली आपकी ऐसी होती है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर पांच पाए जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पांच टाइप के जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसको आप बोलते हैं पेंटामेरिक, राइट। तो एंटीबॉडी जी का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, एंटीबॉडी डी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एंटीबॉडी ई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब तीनों ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। जबकि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी एम में क्या है, डिफरेंसेस है। एंटीबॉडी ए जो होता है वो डाइमेरिक के फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पे बीच में इनको जोड़ने के लिए क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसका नाम क्या, दैट इज द जे चेन, या ज्वाइनिंग चेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज होता है, यहाँ पे पांच आपके मोनोमर को जोड़ने के लिए एक आपका एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, जिसको आप बोलते हैं दैट इज द जे चेन, या ज्वाइनिंग चेन के नाम से भी जाना जाता है। जब आप देखेंगे इनका इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक जो बैंड आती है, जो पैटर्न होता है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनका अटाइसन अगर कराया जाता है तो अलग अलग एंटीबॉडी के लिए अलग अलग क्या होते हैं, बनते हैं आपके बैंड पैटर्न्स, राइट। ये जो एंटीबॉडी ए होता है वो दो तरीके का पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। नंबर पहला आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बेसिकली ये सीरम में पाया जाएगा, और दूसरा आपका कहाँ पाया जाता है, पहला पाया जाता है कहाँ पे, सीरम में, और दूसरा कहाँ पाया जाएगा आपको, सेक्रेटरी मटेरियल्स में, लाइक है जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको लिख रखा है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सेक्रेटरी मटेरियल के, राइट, सिक्रीशंस वाले जो होते हैं उनमें। सो सेक्रेटरी या सिक्रीशंस दो फॉर्म में पाया जाता है, दोनों फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, अभी आपको आगे दिखाएंगे कि ये वाला जो फॉर्म होता है वो जनरली क्या होता है, आपका मोनोमर होता है सीरम वाला, जबकि यहाँ पे होते हैं जो आपके डाइमर, ट्राइमर या टेट्रामर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ई है, जो कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो यही कि कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जो कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। एंटीबॉडी डी को लेकर के अब तक कोई ऐसा रिकॉग्नाइजेबल वर्क नहीं देखा गया जो कि स्पेसिफिकली ये क्या करता हो, परफॉर्म करता हो, और इसके बारे में कोई अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, दैट मीन्स कोई फंक्शंस को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आपने देखा कि ये पांच जो क्लास ऑफ एंटीबॉडी है वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग के तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, जी, इसके बाद ई, फिर इसके बाद डी, ये सब क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म है, मतलब एक एंटीबॉडी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीजन से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है ना, मोनोमेरिक स्टेट में, राइट। जबकि डाइमेरिक होगा तो क्या करेगा, चार बाइंड करेगा, दो यहाँ बाइंड करेगा, दो क्या करेगा, यहाँ बाइंड करेगा। और पेंटामेरिक होगा तो क्या करेगा, 10 बाइंड करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से क्या होता है, पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज अगर आपका यहाँ पे अगर एंटीबॉडी ए की बात अगर हम लोग करें तो ये दो फॉर्म में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सीरम में होगा तो वहां पे आपका अलग फॉर्म पाया जाता है, और जो आपका सिक्रेटरी मटेरियल में होता है वहां पे अलग फॉर्म पाए जाते हैं। क्या अलग फॉर्म होगा उसको जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आते हैं कि जब किसी एंटीबॉडी को अगर एंजाइम से या केमिकल से ट्रीट कराते हैं तो कितने फ्रेगमेंट में टूटता है, और कौन कौन से बैंड, मतलब कितना कितना बैंड बनाता है, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है।
तो पेप्सिन से अगर आप एंटीबॉडी को क्या कराते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं, तो पेप्सिन बेसिकली क्या है, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर पाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल्स बनेगा क्या बनेगा, FABII का होल ट्वाइस। मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है कि 2FAB मॉलिक्यूल्स, FAB मॉलिक्यूल्स, और इसका मतलब होता है, और एक दूसरा स्टेटमेंट ये होता है FAB का 2 मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है यहाँ पे जब आपका डाइसल्फाइड ये पेप्टाइड बॉन्ड को इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हुए हैं। ये आपका सिंगल एक ही मॉलिक्यूल जैसा क्या करता है, काम करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपके क्या दिखाई दे रहे हैं FAB के, दैट इज वाई यहाँ पे इसका क्या लग गया, होल स्क्वायर या होल ट्वाइस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बनता है आपका एक सिंगल FAB मॉलिक्यूल FAB2 का, और यहाँ पे कोई भी एफसी रीजन नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट बनेगा वो कितना बनेगा आपका, दैट इज द वन, और बैंड भी कितनी आएगी, दैट इज द वन। तो इन केस ऑफ अ पेप्सिन डाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी देयर विल बी अ सिंगल फ्रेगमेंट एंड सिंगल काइंड ऑफ अ बैंड, ओके। ये आपका स्टेटमेंट यहाँ से निकल करके आता है। दूसरा, अगर आप पेपाइन से अगर आप क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रेगमेंट आपका ये बना, दूसरा फ्रेगमेंट आपका ये बना, और तीसरा फ्रेगमेंट आपका क्या बना, ये बना। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट मीन्स एफ की संख्या कितनी हो जाएगी, दैट इज द 3, कितनी हो जाएगी, 3, राइट। जबकि अगर हम लोग बैंड की बात करेंगे तो ये दोनों चूंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ अपने सेम है, तो यहाँ पे बैंड इनके लिए कितना आएगा आपका, सिर्फ आएगा 1, और इस वाले के लिए क्या आएगा, 1। तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द 2। तो फ्रेगमेंट की संख्या कितना होगा, 3, बट बैंड की संख्या कितनी होगी, दैट इज द 2। तीसरा आपका है मर्केटोथेनॉल, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक आउट करता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो सारे के सारे लाइट और हैवी चेन क्या होंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो एफ का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द 4, फ्रेगमेंट का नंबर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर आप बैंड की बात करें लटो प्रोसेस चलाने के बाद, लटो फोर्टी बैंड की, तो आप देखिए कि इन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम होता है। तो इसके पास बैंड कितना आएगा, 1, और इन दोनों का भी क्या होता है, सेम होता है, इनके लिए कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे बैंड कितनी आएगी, दैट इज द 2। यही सवाल आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है फ्रेगमेंट को लेकर के और बैंड को लेकर के। तो आपने देखा कि अगर एंटीबॉडी का अगर हम प्रोटीओलाइटिक एंजाइम से और इसके साथ साथ में मर्केटोथेनॉल जो कि एक केमिकल होता है, अगर आप इसे ट्रीट कराते हैं, तो क्या क्या फ्रेगमेंट और क्या क्या आपके बैंड्स बन सकते हैं जब आप उसी फ्रेगमेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो आपने देखा कि पेप्सिन से अगर कराएंगे तो वहां पे सिंगल फ्रेगमेंट सिंगल बैंड बनेगी, पेपाइन से कराएंगे तो वहां पे 3 फ्रेगमेंट और 2 बैंड बनेगा, जबकि मर्केटोथेनॉल से अगर कराएंगे तो 4 फ्रेगमेंट और 2 बैंड वहां पे बन। आपने देखा कि जो डिफरेंट काइंड्स के एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, क्या क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से सवाल आपसे बनते हैं। तो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम में, आपके प्रिपरेशन में अच्छे से क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा, मीन्स हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।